दोस्तों, एक दिन की बात है, ठंड का समय था, घना कोहरा छाया था। सारे लोग जल्दी ऑफिस का काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। पापा उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। रोज की तरह ही उस दिन काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें हाट से कुछ सामान भी लेना था, इसलिए वे अपने साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की कुछ जरूरत के सामान लिए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें मछली बाजार दिखा और वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताजी मछलियां लेने और देखने में टाइम ज्यादा ही गुजर गया। उनकी जब अपनी घड़ी पर नजर गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब सामान लेकर घर पहुंचने में काफी समय लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर पापा ने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से निकला जाए, तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो पापा ने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। 10 बज चुके थे। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत जोर जोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा, इस वीराने में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई है। तो पापा ने उससे पूछा कि जंगल में तुम क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब न देकर और जोर जोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी सिसकियां गूंज रही थी। फिर पापा ने पूछा, तुम्हारा घर कहां है, लेकिन वो कुछ भी ना बोली। तब पापा ने कहा कि आज चलो मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवर से भरा है, रात भर यहां मत रुको, चलो आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पे थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही पापा ने सारी बातें अपनी माँ को बताई और कहा कि आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहां भटकती, इसलिए मैं ले आया। पर पापा को कुछ संदेह भी हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं है ये रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर का सामान ही चुरा कर ना ले जाए। पर बेटे की बात को कैसे मना करती। उन्होंने उस औरत को कहा, देखो आज तो मैं रख ले रही हूं, लेकिन कल सुबह होते ही यहां से चली जाना। अब जाओ रसोई में ये सामान उठाकर ले जाओ और खाना बना दो। और वो सारा सामान लेकर मां के पीछे चल दी। रसोई में सारा सामान रखवा कर मां ने उसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दी और वहां से चली गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान सा था। फिर 10 मिनट बाद किचन में उसे देखने चली गई कि वो क्या कर रही है, और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। वहां पहुंची तो देखा कि वो मछलियों का थैला निकाल रही थी। उन्होंने बहुत जोर से गुस्से में कहा, यहां सब खाने का इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियां ही निकाल रही हो, कल सुबह तक बनाओगी क्या। उसके सिर पर घूंघट अभी भी था तो चेहरा देखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। उन्होंने उससे कहा, तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूं, काम जल्दी हो जाएगा। और वे जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारियां करने लगी, लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा देखने की भी कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती वो और पल्लू खींच लेती। अंत में हार कर वे बोली, देखो मैंने आग सुलगा दी, अब आगे सारा काम तुम कर लो, कुछ जरूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहां से जाने में ही भलाई है, वरना मेरा भी समय खराब होगा और हो सकता है अनजान लोगों से डर रही हो। ये सब सोचकर उन्होंने उसे कहा कि मैं जा रही हूं, जल्दी से खाना बनाकर रखना, और वहां से निकल गई। मन अभी तक परेशान नहीं था, कभी अपने कमरे, कभी बच्चों के, कभी बाहर सबको देख रही थी, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। एक मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाई। अभी 5 मिनट ही हुए थे पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वे तुरंत ही कुछ सोचकर किचन की तरफ दौड़ी। और वहां पहुंचकर जैसे ही उन्होंने रसोई घर का नजारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए, ना उनसे आगे जाया जा रहा था ना ही पीछे। उनके हृदय की धड़कनें रुक रही थीं। वो औरत किचन में बैठकर सारी कच्ची मछलियां खा रही थी। सारे किचन में मछलियां और खून बिखरा पड़ा था। उसके सिर से घूंघट भी उतरा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा
आज तक उन्होंने नहीं देखा था। बाल, नाखून सब बढ़े हुए थे। मछलियां खाने में मग्न होने की वजह से उसे कुछ ध्यान भी नहीं था और खुशी से कभी कभी डरावनी आवाजें भी निकल रही थीं, जो चारों ओर गूंज रही थी। किचन पिछवाड़े में होने की वजह से दूसरे लोगों का ध्यान भी इधर नहीं आ रहा था। माँ को भी कुछ नहीं समझ आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक वे आगे बढ़ने लगी उस चुड़ैल की तरफ और झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नजर भी पापा पर पड़ चुकी थी, सो वो भी कुछ सोचकर उठी अपनी जगह से। मां कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी, उन्हें पता था कि आज अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ लेकर जोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाजें निकालने लगी। अब तो उसकी चिल्लाने की आवाज बाहर भी जा रही थी। सारे लोग बाहर से किचन की तरफ भागे। वो चुड़ैल जोर जोर से चिल्ला रही थी और पूरे किचन में दौड़ रही थी और माताजी को पकड़ना भी चाह रही थी, लेकिन अब सारे लोग किचन में आ चुके थे। काफी लोगों की भिड़ा देखकर वो और भी डर गई थी। लोगों की भीड़ को चीरती हुई वो बाहर जंगल की तरफ भाग गई और घर के सारे लोग ये मंजर देखकर डरे सहमे से खड़े थे और मन ही मन माताजी की हिम्मत की दाद दे रहे थे। तो दोस्तों, इस तरह छूटा चुड़ैल से पीछा